आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक ऐसी रेसिपी जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, सुपर टेस्टी टेंडर और जूसी चिकन शाशलिक और इसके साथ क्रंची वेजीज और डिलीशियस सॉस का ऐसा इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन जो आपका फेवरेट बनने वाला है। ये चिकन शाशलिक इतना टेस्टी और जूसी बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा भी ज़रूर बनाएंगे और जो भी इसे खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। तो आइए चलते हैं अपनी सुपर फिट रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बोटी का साइज़ मैंने ये रखा है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसके साथ 1/3 कप सिरका शामिल करेंगे और फिर हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये चिकन इसमें डिप हो जाए। चिकन को हम सिरके और नमक वाले पानी में 15 से 20 मिनट तक डिप रखेंगे। ऐसा करने से चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगा। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से नमक और सिरके वाले पानी में मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और तब तक हम मैरिनेशन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को पीस लेते हैं। 4 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने हाफ कट कर लिया है, 1 पूरा लहसुन और 1/2 खाने का चम्मच अदरक। इसको हम ग्राइंडर वाले जग में डाल देंगे और इसके साथ शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून लेमन जूस और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। चिकन को भी नमक और सिरके वाले पानी में डिप किए हुए 20 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका सारा पानी खुश कर लिया है, क्योंकि मैरिनेशन से पहले हमें चिकन बिल्कुल ड्राई चाहिए। अब हम सबसे पहले चिकन में लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की जो पेस्ट बनाकर रखी थी वो लगाएंगे और इसके साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं: भुना कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, कोकोनट पाउडर 1.5 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन टिक्का मसाला 1.5 टीस्पून, नमक 1/2 टेबलस्पून, जर्दा रंग 1/4 टीस्पून। ये स्पाइसेस भी हम चिकन में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चों और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते वक्त मैंने उसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल भी डाला था। पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप ये देख सकते हैं कि चिकन बिल्कुल ड्राई है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इस चिकन में भी 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे चिकन को बहुत अच्छे से मसाला लग चुका है। अब मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दूंगी। नेक्स्ट डे अब हम शाशलिक को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 शिमला मिर्चें ली हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड, और इसके साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज। इन सबको मैंने चकोर काट लिया है और ये साइज़ रखा है इसका। जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसमें से 1/2 kg मैंने ले लिया है और बाकी चिकन को ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रीज कर दिया है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसके साथ शाशलिक तैयार करें या फिर सीखों पर लगा के टिक्के बना लें, दोनों सूरतों में ये बहुत ही लजीज बनता है। मैंने चिकन को बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें जो वेजिटेबल्स हमने काट कर रखी हैं वो भी डाल देंगे और इसके साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं: सोया सॉस 1.5 टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, अगर सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, इन वेजिस को मैंने चिकन के साथ इसलिए मिक्स कर दिया है ताकि सारा फ्लेवर अच्छी तरह से वेजिस में भी आ जाए। चिकन में तो ऑलरेडी हमने मसाले डाले हुए थे, लेकिन अभी के जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं वो वेजिस के लिए डाले हैं। अब इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वेजिस को मैंने चिकन और स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको स्क्यूअर्स पर लगाते हैं। स्क्यूअर्स को मैंने 2 घंटे पहले पानी में डिप कर दिया था। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इसको ग्रिल पैन के ऊपर ग्रिल करें तो हमारे स्क्यूअर्स जले नहीं। तो चलिए अब स्क्यूअर्स को पानी से निकालते हैं और इसके ऊपर चिकन पीसेस लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे शिमला मिर्च, फिर लगाएंगे चिकन का पीस, फिर अनियन, फिर चिकन का पीस, और इसी तरह से हम स्क्वायर्स पे सभी पीसेस लगा लेंगे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जो चीज़ पहले लगाना चाहें अपनी पसंद के मुताबिक वो लगा सकते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर पर शिमला मिर्च के 3 कलर्स लगा दिए और अनियन भी लगा दिया और चिकन पीसेस भी लगा दिए। इसी तरह से बाकी सारे स्क्वायर्स भी रेडी कर लेते हैं। तो सारे स्क्वायर्स रेडी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
सभी चिकन पीसेस और वेजेस को मैंने स्क्वेयर्स पर लगा दिया है। ये रेसिपी जितनी कलरफुल है उतनी ही टेस्टफुल भी है। ये आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये जो वेजेस बच गई हैं इनका भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। इन स्क्यूअर्स को ग्रिल करने से पहले हम झटपट से सुपर टेस्टी शाश्लिक सॉस रेडी कर लेते हैं। शाश्लिक सॉस के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको 1 मिनट तक सौते करेंगे। फ्लेम मीडियम लो पर है, चम्मच चलाते रहेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसमें 1/2 कप केचप ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं, हॉट सॉस 1 टीस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून चीनी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे और इस दौरान चम्मच चलाते रहेंगे। सॉस को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको मैं बर्तन में निकाल लूँगी। थोड़ी सी सॉस हम पैन में रहने देंगे। सॉस के रेडी होने के बाद मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया है और कुछ सॉस मैंने पैन में रहने दी है। अब इसी पैन में हम जो सब्जियां बच गई थी वो डाल देंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वेजेस भी बहुत टेस्टी और क्रंची बनती हैं, आप बनाएंगे तो डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। वेजेस को सौते करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, यानी शाश्लिक स्टिक्स को ग्रिल करने की तरफ। ग्रिल पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो सिंपल पैन में भी ये कर सकते हैं। अब हम स्क्वेयर्स को पैन में रखते हैं और इनको ग्रिल करना शुरू करते हैं। पैन में एक बार में हम इतने ही स्क्वेयर्स रखेंगे जितने आसानी से आ जाएं। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और हर तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको ग्रिल करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगी। यहाँ पर मेरी अपने फेसबुक के व्यूअर्स से गुजारिश है कि जब आप मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो करें तो काइंडली इसके साथ भी बेल आइकॉन है, आप इसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपकी टाइमलाइन पर आपको नज़र आ सके। और मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है, यम शॉर्ट्स के नाम से शॉर्ट वीडियोस का एक चैनल बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी। और इसके अलावा आप मुझे यम शॉर्ट्स के नाम से टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सभी शाश्लिक स्टिक्स बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इनको डिश में निकालती हूँ और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग डिश है और सब्जियों का क्रंच, सुभान अल्लाह, ट्राई करना तो बनता है। चिकन भी बहुत ही टेंडर और जूसी है। जायकों की दुनिया की तरफ से ये तोहफा है आपके लिए। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखरत में इज्जत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।